Hello everyone, I am Dr. Aparjot, Consultant Pulmonologist at Amritdhara Mai Hospital, Karnal. तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी के इंडिकेशंस के बारे में. क्या ब्रोंकोस्कोपी क्या है? ब्रोंकोस्कोपी में हम एक पतली नली नाक से या मुंह से डालते हैं जिसके अंदर आगे कैमरा लगा होता है. ब्रोंकोस्कोपी किन किन पेशेंट्स में रिक्वायर्ड है? जिस पेशेंट में परसिस्टेंट कफ हो, लंबे समय से कफ हो, या फिर जिसको फंगस, टीबी, कैंसर, निमोनिया, या जिस पेशेंट में बार बार इन्फेक्शन होता हो और उसका कॉज का पता नहीं चल रहा हो, उन पेशेंट्स में हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं. जिन पेशेंट्स के मुंह से खून आ रहा है उनमें भी ये ब्रोंकोस्कोपी करी जाती है. जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो कि ओपीडी में सिम्टम्स ऑफ टीबी के साथ आए थे, जो कि होते हैं भूख ना लगना, लंबे समय से खांसी रहना, शाम के समय बुखार आना, कमज़ोरी रहना, मुंह से खून आना. तो ये सब सिम्टम्स इस पेशेंट को थे. इस पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमने इस पेशेंट की ब्रोंकोस्कोपी करी थी. पेशेंट को बलगम भी नहीं आ रहा था. पेशेंट की ब्रोंकोस्कोपी करते दौरान हमने देखा कि सांस की नली में एक गांठ थी. वो गांठ कैंसर भी हो सकती थी, फंगस भी हो सकता है, और टीबी की भी हो सकती है. तो हमने उसकी बायोप्सी ली थ्रू द ब्रोंकोस्कोपी, एंड उसके रिपोर्ट आने में, बायोप्सी के रिपोर्ट आने में 5 to 7 days लगते हैं. तो विल हैव टू वेट फॉर दैट टाइम. उसके बाद हम इसका डायग्नोसिस बना पाएंगे पूरी तरह से. सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ब्रोंकोस्कोपी किन पेशेंट्स में करी जाती है और किस चीज़ों का डायग्नोसिस बनाने के लिए करी जाती है. तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है या इनमें से कोई भी बीमारी है, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें @AmritdharaMyHospital. थैंक यू सो मच.